तो आज बिल्कुल सुन पड़े हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, करम अल्लाह पाक का। अभी मैं जिस गन्ने की ट्राली के पास खड़ा हूँ, वो ट्राली का रात को तकरीबन इस वक्त 1:30 बजे के करीब ज़मीन नरम होने की वजह से नीचे धंस गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, जिस बंदे की भी ये ट्राली है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला टायर इस तरफ से बैठा है नीचे, और एक खड्डा सा बन गया जिसकी वजह से ये ट्राली पूरी उलट गई है। और ये ट्राली जो है इस वक्त इसका गन्ना इस पे लोड करके ले जाया जाएगा। ये अक्सर इधर बारिशें होती रही हैं तो जगह नीचे नरम हो गई है, और जिस वजह से ये बैठ गया, और काफ़ी इसके ऊपर वजन भी होता है काफ़ी टनों के हिसाब से, तो लोग इधर से गन्ना चुरा कर ले जा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो वायर्स होती हैं वो टूट गई हैं, और एक वायर टूटी थी और एक उन्होंने खुद खोल कर रख दी है कि गन्ना इधर इस ट्राली से अनलोड करके ये पीछे वाली पे लोड किया जाएगा। तभी 3-4 बंदे लगे हुए थे इसको खोलने में, मगर अभी पता नहीं कहाँ गए हैं। एक 2 दिन पहले इधर मैं जब आया था तो उस वक्त इधर शुगर मिल में बिल्कुल भी ट्रालियाँ नहीं होती थी, तो आज बहुत ज़्यादा रश है शुगर मिल में और धड़ाधड़ चल रही है। इसकी वजह से सूरज हमें महीनों महीनों नज़र ही नहीं आता। जब ये 3-4 महीने चलती रहती है तो बिल्कुल सूरज हमें नज़र ही नहीं आता, सारा इसके धुआं की वजह से ओजोन लेयर में धुआं जमा हो जाता है। आज मिल में काफ़ी ज़्यादा ट्रालियाँ आई हैं, वो सामने गेट हैं, और ये सामने मिल के जो धुएँ वाले चिमनियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं आपको। ये जो गन्ना है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, और इसको चूसना भी एक तरह से चैलेंज है, और एक दो गन्ने की कैटेगरीज हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कौन सा गन्ना नरम होता है। ये गन्ना है, ये नरम होता है और छीलने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, और ये मीठा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ड्रोन नहीं, अगर मेरे पास ड्रोन होता ना तो बड़े कमाल का व्यू आना था। इंशाल्लाह कभी अल्लाह हमें भी तौफीक देगा तो हम भी ड्रोन लेंगे और आपके साथ ऐसे कमाल कमाल के सीन शेयर करेंगे जो कि एंड लेवल के होंगे। ये गन्ना मैंने इसे छोटे दोस्त से मांगा है, वो मुझे बता रहा था कि वो ट्राली थोड़ी आ गया। मैंने कहा यार उधर जाना, ठंड है काफ़ी ज़्यादा, धूप नहीं नज़र आ रही, तो आज बिल्कुल सुन पड़े हुए हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मैंने शूट किया है, ये इसने तोड़ा है उधर से। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।